हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई-लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव एंड रिलेवेंस। फर्स्ट आपको हम बताएंगे एग्जीक्यूटिव। आप जानते हैं सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हायरार्की ऑफ द सिस्टम, टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सर्वप्रथम टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफ द सिस्टम को फुल अपने बिजनेस के संबंध में ट्रेंड होना चाहिए। इस फुल ट्रेंड सिस्टम को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, जनरल मैनेजर, डायरेक्टर या मैनेजरियल लेवल को आपको पूरा ट्रेनिंग के साथ उनके डेवलपमेंट, अगर संख्या अधिक है तो पूरे ग्रुप को हमें ट्रेंड करना पड़ेगा। उनकी ग्रुप स्ट्रेटजी जब फाइनल होगी तब वो मीटिंग लेंगे और अपने जूनियर स्टाफ को भी ट्रेंड करेंगे, जिससे कंपनी की पूरी डेवलपमेंट, मार्केट स्ट्रेटजी, गोल और मिशन को वो प्राप्त कर सकते हैं। जब टॉप लेवल मैनेजमेंट को ही नहीं मालूम होगा कि हमें करना क्या है, उन्हें ये नहीं मालूम होगा कि मार्केट की स्ट्रेटजी क्या है, तो वो अपने बिजनेस को कहां ले जा सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम में इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। टॉप लेवल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होना अनिवार्य है। अब आप देख सकते हैं कि अगर ये पूरे बिजनेस है तो सबसे फर्स्ट अगर ये टॉप लेवल मैनेजमेंट जो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या जीएम आपके बिजनेस के लिए जनरल मैनेजर, या आप अपने बिजनेस में बिजनेस को चलाने के लिए डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करते हैं, तो ये टॉप लेवल मैनेजरियल सिस्टम को बिजनेस के टोटल वर्क के सिस्टम की पूरी ट्रेनिंग होनी अनिवार्य है, जिसके आधार पे वो वर्क करेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव एनवायरमेंट इन विच वर्क फंक्शन दे परफॉर्म मैनेजमेंट डेवलपमेंट। मैन पावर मैनेजमेंट डेवलप को पावर करनी है। मैन पावर फ्लो, फ्यूचर इन्वेंटरी, ह्यूमन स्किल, एबिलिटी, रिसोर्स मैच, डिमांड स्प्रेडिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन, ऑपरेटिंग इंटरप्राइजेज। ह्यूमन स्किल, प्रत्येक व्यक्ति की स्किल डेवलपमेंट करनी है जो मार्केट के आधार पे होगी। नेक्स्ट आप कर सकते हैं इज एन अटेम्प्ट इंक्रीज प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑर्डर टू रिप्लेसमेंट आउटलेटेड इन द सेंट्रलाइजेशन ऑथराइज्ड ऑफ द पैटर्न। सेंट्रलाइजेशन ये क्योंकि टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट है तो सेंटर यही बनता है, तो इनका ट्रेंड होना 100% अनिवार्य है। इनके लिए थर्ड आप है मैनेजमेंट डिमांड टुमारो टू मेक ऑर्गेनाइजेशन मोर चैलेंज, क्योंकि मांग होती है, पहले मैनेजरियल लेवल पे मार्केट की डिमांड होगी जिसके लिए ट्रेंड करना अनिवार्य है, जिसके आधार पे ही आप अपने बिजनेस का सक्सेसफुल बना सकते हैं। रिलेवेंट ऑफ द मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसकी कुछ टॉपिक्स आपको दी गई है। अकॉर्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन एम मैनेजमेंट डेवलपमेंट सिक्योरिटी फॉलोइंग द रीजन टू इंप्रूव इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन। दो विभागों के बीच में हमेशा समन्वय होनी चाहिए, उसमें सुधार होनी चाहिए। इंप्रूव टेक्निकल परफॉर्मेंस, जैसे अगर आपका वर्किंग सिस्टम है इंजीनियरिंग लेवल पे है, अकाउंट्स लेवल है, टेक्निकल सिस्टम में आपस में अच्छे तालमेल होने चाहिए और उन्हें अपने ऑब्जेक्ट मिशन के बीच में जानकारी होनी चाहिए। इंप्रूव नॉलेज ऑफ द पर्सन, जो भी स्टाफ आपके यहाँ पर्सन वर्क कर रही है उनको अपने वर्क के विषय में पूरी जानकारी हो। स्टिमुलेटिंग जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द बेटर, जूनियर स्टाफ हमेशा अपर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मिले रहेंगे, जिससे उनसे नई कार्य के विषय में जानकारी रहे। एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करेगा जिसके आधार पर डेवलप करके हमें फ्यूचर का काम करना है। नेक्स्ट है आपके लिए इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पुरानी है तो हम ट्रेन एंड डेवलपमेंट करके नई ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन को रखेंगे जो बिजनेस के लिए इंप्रूव करती है।
इंडिविजुअल वीकनेस एंड इफॉर्टनेस, जो भी व्यक्ति इंडिविजुअल किसी भी व्यक्ति के अंदर कमजोरी है तो हम स्पेसिफिक उसे ट्रेनिंग करके उसके यदि डाउटफुल है तो उसको ट्रेन करके हम दूर करते हैं। क्रिएटिव रिजर्व ऑफ द मैनेजमेंट कीप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कैंडिडेट इकोनॉमिक्स लेवल पे और टेक्निकल लेवल पे कैंडिडेट को हम डेवलपमेंट करते हैं। आज आपने पूरी वीडियो इस क्यूटी रिलेवेंस को देखा कि टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट फर्स्ट लेवल में भी उनको ट्रेनिंग करनी होगी, उसके बाद ही हम अपने जूनियर लेवल स्टाफ को ट्रेनिंग करा सकते हैं। आप अपने इस चैनल बी कॉम वी लर्निंग को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग कॉमर्स में नेट के एग्जाम के लिए या अदर्स कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, यदि बीबीए एमबीए जो भी हो आपके एग्जाम हो, उसमें आपको पूरी सपोर्टिंग करेगी, आपका नॉलेज डेवलपमेंट करेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे आप जरूर लिख के दीजिएगा। थैंक यू।